हाँ राते पूरा रात। Hey guys, welcome to my channel, समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपना एक ब्लॉग अपना एंड किया है, दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। और आज डे है वेनसडे। मैं जा रही हूँ, चाय वगैरह बनाऊंगी। टाइम वही दो बज रहे होंगे। बाबू सो रहा है और मनीष जी अभी गए थे बाहर, आ गए हैं। अब जा रही हूँ चाय बनाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि नाइट में हम लोग कोच भी नहीं सो पाए। मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाई थी क्योंकि लाइट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। पूरी रात मैं बाबू को हवा कर रही थी ना, इस वजह से। और मेरा माइक देख सकते हैं टूट गया ना, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे इस टाइम पे शूट करने में, मतलब बोलने में। और दूर से फोन रख के अगर फोन में डायरेक्ट बोलूँ तो वॉइस नहीं जाएगी आप लोगों तक, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? तो देखो ब्लॉग में आज क्या क्या दिखाऊंगी। और इस ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको शायद आप लोग जानते होंगे, ना भी जानते हैं तो जान के आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और थोड़ा सा सोचने पे आप मजबूर हो जाइएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो प्लीज इस वीडियो इस ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं किन के बारे में बात की हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो स्किप जरूर करिएगा, मुझे पता है। तो प्लीज स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में, मिलूंगी ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगी बालों में कॉम नहीं करूंगी, ऐसे ही जुड़ा बनाऊंगी, बिकॉज इतनी गर्मी है, गर्मी में बाल ओपन रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ लेने के लिए खाना, क्योंकि लगी है भूख, टाइम हो गया होगा, काफ़ी भूख तो लगती है इस टाइम पर। मम्मी थोड़ा सा लेट नहाई है ना, इस वजह से। तो मैंने ले लिया है काली मसूर की दाल, चावल और आलू की भुजिया। तो बस मम्मी आ रही है, उसके बाद खाऊंगी। मम्मी छत पे चली जाती है कपड़े वॉश करने के, सॉरी कपड़े डालने के लिए गई है, मैंने वॉश कर लिया था। तो ये थोड़ा सा फास्ट मोड पे है ना, तो थोड़ी सी वॉश ओवर करने में ना कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी और मैंने फास्ट मोड कहाँ थी रख लिया मम्मी। अच्छा देख गया, दशहरी लगी। हाँ चलो इसको पहले धो देती हूँ मैं आम को, क्योंकि उठेगा बाबू तो उसको चाहिए खाने को, इसलिए उसी बात दो बार से तो ललकुन है मनीष अकुंदन पूरा बेकार आम मिल गया, पानी बहुत डाल ये मैं चला दे लो सही रहता हूँ। थोड़ी बहुत देर बाद खाएंगे शाम को, यहाँ आधा एक घंटा बाद। आम तो ठीक लली, यहाँ दो बेर से तो बेकार। हाँ हाँ वो अच्छा दशहरी, अभी दशहरी खाही के मौसम। यहाँ पे देख सकते हैं बाबू खा रहा है खाना, दाल चावल। जीजू आते हैं ना लंच पे, तो कन्हैया लक्की भी खाता है, तो किट्टू भी आके यहीं पे बैठ के खाने लगता है, क्योंकि ना जब बच्चा देखता है ना किसी को खाते हुए तो ही खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे ये खा लेता है घूम घूम के, तो यही सब चीज़ें वहाँ पर मिस करता है, क्योंकि वहाँ पर तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती है ना, अकेले अकेले बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। किट्टू यहाँ पर ये है कि मुझे बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होती है, तो वही मैं फेस देख रही थी ना कि लाइनर अंदर की तरफ लग गया था, तो वही देख रही थी मैं, मम्मी को बता रही थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी बैठी है सिलाई मशीन लेके, लेकिन मैंने कहा मैं सिलूंगी, जो मेरे कुछ कपड़े थे जिसको मुझे सिलना था, क्योंकि वहाँ पे हाथ मशीन नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। और ये वाला लोअर लेके आए थे मनीष जी, जिसको मुझे करना है शॉर्ट, तो काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो ये देख सकते हैं मैंने इसको काट दिया है, काट के सिल लूंगी। मम्मी को मैंने बोला बाबू को देखो मैं सिल लेती हूँ, थोड़ी सी ना लाइट अपोजिट
अपोजिट साइड से आ रही है ना, इसीलिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि गेट वहाँ गेट की तरफ से लाइट आ रही है। मैं फ़ोन को इस तरफ सेट कर रखी हूँ ना, उधर कोई जगह ही नहीं था जो कि मैं फ़ोन को सेट कर पाऊँ, इसीलिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हाथ वाली ये मेरे पास भी मशीन है, ये दीदी का मशीन है, यहाँ पे रखा हुआ था, तो हमने सोचा चलो इसी में पहले सी लेते, क्योंकि धागा वागा लगा था, तो कोई हर कोई चाहता है ना कि थोड़ा सा काम इजी हो जाए, मतलब कि आसान हो जाए। और काम चोरी तो खैर मैं कर ही लेती हूँ, यहाँ आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। मैं बना रही छोटी सी मास्क, लेकिन मुझसे नहीं बन पाता है, मम्मी बनाती है, वो मैं बाद में अभी दिखा दूँगी आप लोगों को। क्योंकि यहाँ आती हूँ ना तो आलस खोर काम चोर सब बन जाती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी होती है ना करने के लिए इसीलिए। लेकिन वहाँ पर तो मजबूरी में करना ही पड़ता है, वही है ना माँ वाला, तो बात होता नहीं है कहीं पर भी। जो यहाँ करना है राज वो कर लो, लेकिन वहाँ तो मुझे ही करना है, रो धो के ही करना है। तो अभी मैं देख रही थी कि दीदी की मशीन टूटी हुई है हल्की, इस तरफ से वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब मैं देख रही हूँ, इससे पहले नहीं देखी थी मैं। तो बस यहाँ पे यही लोअर को मैं सिल लूँगी, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रखा था ना और अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने इसको कैफ्री बना लिया है, क्योंकि घर में गर्मी के टाइम में तो कुछ भी पहन लो, बस हल्का सा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो बस इसीलिए इसको मैं सिल लूँगी, इसी का जो नीचे से मैंने लेंथ कट किया है ना, उसी का मम्मी बनाई है मास्क, अब विदाउट सिले बनाई है। तो वही मैं देख रही थी कि कैसे बनाई है, नहीं मैं तो मैंने सिल के बनाया, लेकिन अच्छा नहीं बना मुझसे। अगर अच्छा बनता तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन अच्छा बना ही नहीं तो क्या शेयर करना। अगर कुछ ढंग की बनाओ तो कुछ बात भी है, नहीं बन पाया था इसीलिए। तो बस इसको सिलूंगी, उसके बाद आप लोग बोलते हैं ना ओरिजिनल वॉइस रखिएगा, तो ओरिजिनल वॉइस कोशिश करती हूँ रखने का, वही है ना म्यूजिक वगैरह कुछ चल रहा होता है गाना वाना, तो वॉइस ओवर करने की जाएगा ना कि बाहर चले, मार्च बनाए देखना क्या बना बिना सीले, देख अरे वाह, है ना घूमने के नाम पे कैसे पहन अरे वाह सोना दिखा दिखा, इधर देख लो कितु, इधर देखो एक बार, हाय कर दो, हाय हाय करो, अरे वाह देखियो बगैर सिले बनाती मास्क, अरे वाह बिना सिले मास्क बन गया, चप्पल तो पहन पापा को बोल दो फिर घूमने चलो। हे गाइस, तो अब आई हूँ बनाने के लिए मैं चाय, तो बस दूध खत्म था वरना मैं इससे पहले चाय बना लेती, अभी दूध लेके आया कन्हैया, तो अभी जा रही हूँ बनाने के लिए मैं चाय, और फ़ोन को लगाऊंगी चार्ज पे, बिकॉज फ़ोन चार्ज नहीं है, और यहाँ लाइट का पता ही है, रात में जैसे हुआ कुछ नहीं पता लाइट का, अभी है और कब नहीं है कह नहीं सकते, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो बस मैं चाय बनाऊंगी, और अभी दो मास्क बन चुका है, बाबू का भी बहुत प्यारा बना है, मम्मी भी बनाई है, मैं भी बनाऊंगी, क्या फ़ायदा बाहर जाओ इतने पैसे वेस्ट, मतलब एक तरीके का जब हम घर में ऑप्शन है बनाने का तो घर में बना सकते हैं ना, फिर वो वेस्ट ही होता है ना पैसा। आज भी मैंने जी लेके आया 100 रुपए का मास्क, तो बस मैंने घर पे ही बनाया है, क्योंकि कपड़ों का मास्क अच्छा होता है, वो सब ना थोड़ा सा इचिंग जैसा होता है और ना पिंपल्स वगैरह भी निकल जाते हैं इसीलिए। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ चाय, फोन को लगा देती हूँ चार्ज पे, फिर मिलूंगी आप लोगों से बाद में। बस छुपा ले फोन। इसे थोड़ा ऐसा बना रहा है, जब ईट दबाऊंगा ना तो साइड से, कितना प्यारा लग रहा है ना, और लगाएगा दूसरा, हाँ और यहाँ पे लगाऊंगा दो, कहाँ से लाके, नीचे से ही, वहाँ से उखाड़ के ले जाता, उतना बड़ा बड़ा हो गया उखाड़ के ले जाता, और लगाऊंगा। अच्छा अरे किटू इधर आ रहे, ये देखो चूल्हा, इस पे रोटी बनता, देख कैसा हो गया ना कन्हैया चूल्हा। हाँ। हे गाइस गुड आफ्टरनून,
और कल जो मैंने सूट किया था वही किया है, उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, आज मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है, कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, अभी फोन उठाई हूँ जस्ट। अब बाबू सो गया है, मम्मी भी थोड़ा सा लेती है, थोड़ी देर आराम करेगी वो, तो मैं छोड़ दी हूँ उस वाले रूम में, उधर वाले में मनीष जी काम कर रहे हैं, इसमें बाबू और मम्मी दोनों सो रहे हैं। तो मेरे लिए यही ऑप्शन था कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ किचन के पास। खैर यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है, चाहूँ तो मैं छत पे चली जाऊँ, चाहूँ तो उस तरफ दीदी का जो रूम है उस तरफ जो गैलरी है वहाँ पे बैठ के आप लोगों से बातें कर सकती हूँ, बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। फरीदाबाद में बहुत छोटी सी स्पेस होती है लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों को बस बोलने आता है। बहुत से लोग बोल देते हैं कि मतलब बिजी रहती है, क्यों बिजी रहती है इतना देर, कभी फोन करो तो फोन नहीं उठाते, बहुत से लोगों का ये भी कंप्लेन होता है लेकिन समझते नहीं है, और जिस दिन समझने लग जाए ना तो शायद मुझे इस तरीके से नहीं बोलेंगे वो, बट बोलने वालों का तो मुंह रोक नहीं सकते हैं, बोलने दो, मुझ पे फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बोलो, किसी से कुछ भी बोल दो, कुछ भी करो, मुझ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बता देती हूँ मैं, क्योंकि निकल ही जाती है ना बातें मुंह से, है ना। तो बस यही था कि लोग समझना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझना चाहिए, बट कोई बात नहीं है, आप सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट करते टाइम मैंने बोला था कि मैं आज अपने ब्लॉग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, तो वही मैं बताने मतलब वही बात करूंगी आप लोगों को, क्योंकि उनके बारे में बताए बिना मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बता दूं, आज मैं बात करने वाली हूँ जस्ट डैड करके उनका चैनल है, और उनको मैं कैसे जानती हूँ वो मैं बता देती हूँ। कुछ टाइम पहले जैसे वीडियो रिकमेंडेड में आता है तो वही मैं देखती थी कि मतलब आ जाता था तो मैं इग्नोर कर देती थी, फिर मैंने एक दिन देखा मुझे कुछ खास नहीं लगा, मैंने कि क्या है, दो दिन देखा फिर भी कुछ खास नहीं लगा, जब मैंने थर्ड टाइम देखा उनका ब्लॉग और मन से देखा, खाली टाइम था मेरे पास, तब सच में अगर आप उनका ब्लॉग देखोगे ना और तो जरूर सोचने पे मजबूर जरूर हो जाओगे आप, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो देखती रह जाती हूँ, मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा सा और लॉन्ग होना चाहिए ब्लॉग, थोड़ा सा और लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लॉग देखते हैं तो किसी की लाइफ के बारे में हमें पता चलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सोचेंगे क्या खास है इस ब्लॉग में। बहुत से लोग जानते भी होंगे जस्ट डैड करके उनका चैनल, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ उनकी ब्लॉग की खासियत क्या है। वो सिंगल फादर है, वो अपने मतलब अपने बेबी को कैसे के मतलब इतने एक जैसे एक माँ करती है ना सेम उसी तरीके से करते हैं वो, कब उसको खाना देना है, कब क्या करना है, और सबसे अच्छी बात लगी उनकी कि वो कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। मैंने 2-3 बार उनको कमेंट किया है, जैसे कुछ पूछते हैं ना तो तुरंत रिप्लाई करते हैं, तो मतलब तुरंत नहीं मतलब रिप्लाई कर देते हैं वो भी, क्योंकि बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि जिनका अच्छा एक नाम होता है वो बहुत कम ही रिप्लाई करते हैं, बहुत कम यूट्यूबर है जो कि रिप्लाई करते हैं, लेकिन ये इन सर मतलब मैं भैया बोलती हूँ उनके कमेंट में, मोस्टली मैं भैया ही बोलती हूँ, बट अभी मैं आप लोग बता रही हूँ तो बोल रही हूँ सर, कि वो रिप्लाई करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उनकी वाइफ अब नहीं है इस दुनिया में, जब उनका बेबी आई थिंक 4 या 5 मंथ का ही था तभी वो उन दोनों को छोड़ के चली गई हमेशा के लिए, बट उनका जो सिचुएशन था ना बहुत ही क्रिटिकल था, कुछ वो शेयर नहीं करना चाहते हैं ज्यादा, क्योंकि वो फिर पिछली लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं, और अच्छा भी है क्योंकि छोटे बच्चे के साथ अगर वो इतना स्ट्रांग ना हो तो, एक कहते ना एक माँ जैसे अपने बच्चों को पाल लेती है पोस लेती है, एक फादर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उनका ब्लॉग देख के लगता नहीं है कि उनके लिए डिफिकल्ट रहता होगा, बहुत अच्छा लगता है उनका ब्लॉग देख के। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग उनका ब्लॉग देख के आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं देखती हूँ मुझे दिल से खुशी मिलती है, मेरी फैमिली में भी देखते हैं सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सच में भैया आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, आप ऐसे ही हमेशा खुश रहना, बाबू हमेशा खुश रहेगा, सच में मेरी तो यही दुआ है उन लोगों के लिए। तो चलिए गाइस यही था आज के ब्लॉग में मेरे लिए, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों को इनके बारे में मैं शेयर करूंगी बताऊंगी, लेकिन ना टाइम नहीं मिल रहा था और ब्लॉग हो रहा है बहुत लॉन्ग, तो ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड।
बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग जरूर बताइएगा।